जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि जो आपके या हर किसी व्यक्ति के घर में बहुत ही आसानी से चीज मिल जाती है, उसका उपाय बताने वाला हूँ। और ये इतना जबरदस्त उपाय है कि इस उपाय को करने से कैसा भी व्यक्ति, कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति क्यों नहीं होगा, कंगाल से कंगाल व्यक्ति क्यों नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये उपाय को करेगा, संपूर्ण श्रद्धा के साथ करेगा, वैसे ही उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आने लग जाएंगे। वो व्यक्ति देखेगा कि पैसा खुद उसको खोजता हुआ आएगा। कहने का तात्पर्य है कि वो जिस किसी भी काम में जाएगा या जिस किसी भी लोगों से मिलेगा, हर जगह से उसको इनकम के सोर्स मिलने लग जाएंगे। बहुधा होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है पैसा कमाने की, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो पैसा कमा नहीं पाता है, जुड़ा नहीं पाता है। कहीं कोई रीज़न होता है, हर जगह अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न के चलते, कारण के चलते, अंततः वह व्यक्ति पैसा कमा नहीं पाता है। कई किस्सों में ऐसा होता है कि व्यक्ति कमा तो भरपूर रहा है, लेकिन खर्च इस तरह के आ जाते हैं, एकाएक ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि वह व्यक्ति निर्धन का निर्धन ही बना रहता है, वह पैसे बचा नहीं पाता है। तो आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, इस उपाय से आपके पास पैसा तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ आपके यदि इनकम के सोर्स नहीं है तो वो इनकम के सोर्स भी एक से अनेक हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आज का उपाय कि आज के उपाय में आप क्या करें, कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जो कोई भी पैसों से संबंधित समस्या है, धन से संबंधित समस्या है, चाहे वो इनकम ना हो रही हो वह समस्या है, या इनकम होने के बावजूद पैसा न बच रहा हो ऐसी कोई समस्या हो, तो ये दोनों ही समस्या चली जाएगी। बहुधा होता है ऐसा है कि क्यों इस तरह की परिस्थिति निर्माण होती है कि पैसा बच नहीं पाता है या इनकम हो नहीं पाती है। तो देखा जाता है कि दो रीज़न होते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी का रीज़न होता है और कुछ ग्रह पीड़ा इस तरह की होती है, या जब ग्रह दोष इंसान के ग्रह परिवर्तित होते हैं तभी नेगेटिव एनर्जी ऐसे व्यक्ति के आसपास देखने को मिलती है। तो आज का जो मैं उपाय बताऊंगा, इस उपाय में आपका जो कोई भी ग्रह पीड़ा है जिससे आपके पैसे आना रुके हैं, वह ग्रह इतने मजबूत हो जाएंगे कि स्वतः पैसे चलकर आपके पास में आने लग जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे और उस व्यक्ति से आपको इनकम होने लग जाएगी, आपको कमाई होने लग जाएगी। देखिए, व्यक्ति निर्धन कब बना रहता है? जब उसके पास इनकम आती है। तो जब वो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है तब उसके पास से वो पैसा जाने लग जाता है। साथ ही साथ दूसरी बात ऐसी होती है कि जब आपने देखा होगा, व्यक्ति का मन पैसा आते ही चंचल हो जाता है और वो इस तरह के खर्चे करने लग जाता है, अनाप शनाप खर्च करने लग जाता है, कि इससे भी उसके पास जो पैसा है वो कम होने लग जाता है। साथ ही साथ अब उसके पास नया पैसा कमाने का समय ही नहीं बचता, क्योंकि वो खर्च इस तरह के कर रहा होता है। तो आज का जो उपाय है, इस उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि यह चीज, इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज के इस्तेमाल से आपके अंदर विवेक बुद्धि पैदा हो जाएगी, आपकी सोच प्रबल हो जाएगी, आपका जो मन है वो मक्कम हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पास में पैसा भी आने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप सोते समय इस उपाय को करें। इसमें ये किसी तरह की इसमें विशेष सावधानी की, पूजा पाठ की किसी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं है। आप थोड़ी सी शक्कर ले लें, एक चुटकी दो चुटकी जिस तरह की भी आप थोड़ी सी शक्कर ले लें, उसमें जरा सी हल्दी मिला दें। हल्दी जो है ये गुरु का प्रतिनिधित्व करती है और जो गुरु है वो आपकी बुद्धि को
प्रखर बनाता है, तेज बनाता है। कहाँ से बचना, कहाँ से निकलना, क्या आपके लिए शुभ है, क्या आपके लिए अशुभ है, ये आपको बताता है। तो जब आप जो पैसा लेकर के आएंगे, कमाएंगे, वह पैसा आप इधर उधर कहीं पर भी उसको नहीं करेंगे, अपने समय को भी सही से लगाएंगे। इसके साथ में आप एक गिलास दूध ले लें। दूध जो है वो चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र जो है वो मन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका मन जो है वो आपके काबू में रहेगा तो ऐसी कोई भी घटना आपके साथ में नहीं घटेगी। अब जब आप ये तीनों चीज ले लेते हैं तब आपको क्या करना है, ओम सूर्याय नमः 11 दफे बोलना है, ओम गुरुवे नमः 11 दफे बोलना है, ओम चंद्राय नमः 11 दफे बोलना है। ऐसा बोलने के बाद में आप शक्कर और हल्दी को फांक लीजिए। इसके बाद में ऊपर से एक गिलास आप दूध पी लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी ये तीनों ही ग्रह बहुत ही मजबूत होने लग जाएंगे और आपके जीवन में पैसों से संबंधित आने वाली कोई भी कठिनाई जो होगी वो दूर होती चली जाएगी। आपके इनकम के एक से एक नए सोर्स बनते चले जाएंगे और इन ग्रहों के प्रभाव से आपके पास पैसा बचने भी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस तरह की किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो तो आज ही से इस उपाय को प्रारंभ करें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।